नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत। आज ताल ठोके शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि 2019 से पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पहली चुनौती दे दी है, और शाम 6 बजे बहस करेंगे हम योगी राज में मौत बांटने वाले कितने बिल्डर्स हैं। लेकिन इस वक्त की बहस संसद में मोदी सरकार की पहली परीक्षा पर। मोदी सरकार के 50 महीने पूरे होने वाले हैं और उससे ठीक पहले विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को आज लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नंबर पूरी तरह सरकार के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को जीत का भरोसा है, और इसीलिए आज सवाल पूछना जरूरी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव 2019 के लिए मोदी का पहला टेस्ट है। ये सवाल नंबर पहला है। दूसरा सवाल, क्या 2019 से पहले राहुल गांधी ने मोदी को पहली चुनौती दे दी है। तीसरा सवाल, क्या अविश्वास प्रस्ताव मोदी के खिलाफ महागठबंधन पर मुहर है। सवाल यह भी कि क्या फ्लोर मैनेजमेंट में मोदी सरकार फेल रही। और सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जनता के मुद्दे दरकिनार, संसद में बस अपनी जय जयकार। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए आप। कोई भी दल, कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। कि जिस सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने पर कागार कर दिया, जिस सरकार ने महिलाओं के बलात्कारों को एक नया मुकाम पर हासिल कर दिया, जिस सरकार ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से कई पार्टियां वो अविश्वास प्रस्ताव किया है, वो अविश्वास प्रस्ताव आप स्वीकार कर लीजिए। हम तैयार हैं, उनका दूध पानी का पानी हो जाए। पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी को कॉन्फिडेंस है, हाउस में भी दो तिहाई का। समाजवादी पार्टी तो समर्थन करेगी नो कॉन्फिडेंस। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसीलिए डॉक्टर पात्रा सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट का वक्त मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी हो या ना हो, राहुल गांधी ने इसका पनीर टिक्का जरूर कर दिया है। पहली चुनौती 50 महीने में। देखिए रूबिका जी, मैं आज कहता हूं जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए का दूसरा नाम है विश्वास, विश्वास और विश्वास। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज जनता जनार्दन के मन में कांग्रेस के लिए जो पर्यायवाची शब्द है उसका नाम है अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। देखिए एक बड़ी बात मैं कह दूं, आप भी युवा पत्रकार हैं और यहां बहुत युवा लोग बैठे हैं। जिम जाने से पहले आपको कभी कभी आलस लगता होगा तो आप वार्म अप एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि मन नहीं करता है कि जिम जाएं सुबह सुबह उठकर। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी, जिसके पास एलओपी बनने की संख्या नहीं है, चुनाव से पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, वो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लगी हुई है। वैसे में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को खर्च करके ये वार्म अप एक्सरसाइज अपने सदस्यों का पार्लियामेंट के पटल पे कराना चाहती है। आज खुद राहुल गांधी जी के लीडरशिप पर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गजों का जो विश्वास है वो हट चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं पैसे पब्लिक की और जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो कांग्रेस पार्टी का। पब्लिक के पैसे बचाने का ज्यादा जिम्मा किसका है, रेशियो अगर मैं रखूं तो वो उसका जिसकी सरकार है, जिसको फ्लोर मैनेज करना है। और स्मिता प्रकाश, मीम अफजल जुड़े, उससे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्या फ्लोर मैनेजमेंट में ये सरकार फेल होती नहीं दिख रही है? एक के बाद एक सर्वदलीय इतनी सारी बैठक आप करते हैं, उसके बावजूद काम नहीं। देखिए, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाना, अगर फ्लोर मैनेजमेंट की हार समझते हैं आप, फ्लोर मैनेजमेंट का हार समझते हैं, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि बीजेपी ने जान के ये अलाउ किया है, क्योंकि ये टीडीपी का प्रस्ताव माना जा रहा था, आई मीन फ्लोर के हिसाब से। इट इज़ नॉट द कांग्रेस प्रपोजल। कांग्रेस प्रपोजल जो था फ्लोर में नो कॉन्फिडेंस का, वो पिछले सत्र में था, इस बार टीडीपी का माना गया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और टीडीपी अभी निकली है एनडीए से, तो टीडीपी को पहले बोलने दिया जाएगा, आई थिंक दैट्स व्हाट द प्रोसीजर इज। तो इसमें मेरे को लगता है बीजेपी जो है वो देखना चाहती है कि जो इतना बोल रही है ऑपोजिशन, क्या उनका जो शक्ति प्रदर्शन है ये सिर्फ
सदन के बाहर है, सदन में कहाँ है, सदन में शक्ति कहाँ है? क्योंकि आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की सरकार तो मजबूत है, वो तो गिरेगी नहीं अगर जितने नंबर उनको चाहिए 300 से ज्यादा उनके पास है, सो देयर इज नो क्वेश्चन कि सरकार गिरेगी. तो ये मुझे लगता है जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना कि एंटी मोदी प्लान है सब, मोदी ठीक है, आपको लगता है कि ये फिक्सिंग है किसी तरीके की? निनाद सेठ जरा बताइए, ये संसद में हंगामे पर सरकार और विपक्ष दोनों की फिक्सिंग है और जनता के बिल पास ना करके चीटिंग है उनके साथ? देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें बीजेपी अकेले के पास नंबर है क्योंकि वो जीत सकती है. पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के तीन जो इंटरेस्टिंग पहलू हैं उसमें पहला सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कितने घटक दल बीजेपी के उनके साथ रहते हैं और वो कितने नंबर से जीतते हैं. वो जीतेंगे उस पर कोई शक नहीं है, पर कितने नंबर से जीतते हैं. दूसरा, एक डेमोक्रेसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आती है तो आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने पॉइंट्स आगे रख सके, जैसे चाहे एग्रीकल्चर का पॉइंट हो या स्पेशल स्टेटस का स्टेट के लिए पॉइंट हो, तो वो रखे जाएंगे. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है, 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, उस स्पीच से 2019 का बीजेपी का एजेंडा तय होगा. तो एक तरह से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ब्रिंग इट ऑन, आइए हम आपसे लड़ने को तैयार हैं, ब्रिंग इट ऑन. अगर आप तो वो कहा है बीजेपी ने कि ब्रिंग इट ऑन, देखते हैं किसमें कितना है दम. तो अब ये 2-3 दिन में पता चलेगा और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से ये भी पता चलेगा कि किस तरह के मुद्दों से और किस तरह की स्ट्रैटेजी से बीजेपी 2019 के चुनाव की तरफ बढ़ रही है. नहीं, ये लोग तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं ना. सवाल आज देश ये पूछ रहा है कि आप एक के बाद एक सत्र को हमारे पैसों से एकदम धो देते हैं. बिल्कुल, ये अगर एकदम देखिए बिना नंबर पैसा जो है जाया कर दिया जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी को पास किया जाए बिना नंबर के, आप बिना नंबर के इस तरह कर रहे हैं तो एक तरह से इसको ड्रामेबाजी भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर नहीं है. बिना नंबर के आप देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं. सुनील चोपड़ा साहब, क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सियासी तमाशा है और सोनिया गांधी का ये कहना कि किसने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है? नंबर तो सबको दिख रहे हैं ना सर. सवाल नंबर का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है. हर 6 मिनट एक महिला का बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री आज तक इस पे बोले नहीं है. कितने किसानों ने आत्महत्या कर दी, कैसे वो बढ़ रही है, प्रधानमंत्री बोले नहीं. किस तरह से अकलियतों पे हमले हो रहे हैं, किस तरह से देश में लिंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री ढंग से उसका जवाब नहीं दिए हैं. इसके साथ साथ एक एक इलेक्शन इन्होंने हारी है, महाराष्ट्र में एक सीट छोड़ के. तो इस सरकार को अपनी जिम्मेदारी पेश करनी होगी हिंदुस्तान की जनता के सामने और ये काम होगा. पिछली बार इन्होंने हिम्मत से उसको रोक लिया, इस बार इनको समझ आ गई है, इस बार रोका तो पिट जाएंगे. अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं. मैं वहां संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें नंबर्स तो आप वक्त जाया कर रहे हैं ना. इतने सारे 68 के करीब आपके बिल्स पेंडिंग पड़े हैं, उस पर अपना वक्त जाया कीजिए ना, उस पर अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज लगाइए. आप यहां पर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नो कॉन्फिडेंस जो हमारा सरकार में है वो बताना है और ये जानते हुए कि हम फेल होने वाले हैं. राजीव राय साहब, नंबर्स कहां है सर? महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, इस पर नहीं चर्चा करनी है. हमें चर्चा करनी है कि हमें मोदी पर विश्वास नहीं है, पीरियड. रूबिका जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है. आप बोल रही हैं कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल और अपराध पर बात नहीं करनी है. जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हम ये दो चेहरे माननीय मोदी जी के दिखाना चाहते हैं. एक 2014 के चुनाव से पहले जो उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे, चाहे महंगाई के मामले पर हो, चाहे अपराध के मामले पर हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पर हो, उन्होंने डॉलर के अनुपात में रुपये की कीमत पर क्या कहा था, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में क्या कहा था, रोजगार में क्या कहा था. तो 4 साल का हिसाब लेना, लोकतंत्र में यह अधिकार है कि विश्वास प्रस्ताव लाए. और जितने सवाल आपने किया उन सारे सवाल हम आपको भरोसा देते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे और देश के सामने मोदी जी को जवाब देना महंगा हो जाएगा. इतने सारे आप झूठ हो, इतने सारे वादे करके आए, कोई 5 वादे बता दीजिए जिस पर आपने खड़े उतरे हो. मोदी जी ने पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में क्या कहा था, डॉलर के बारे में क्या कहा था, अपराध के बारे में क्या कहा था. अभी एक आंकड़ा है कि बच्चों का अपहरण 30% पूरे देश में बढ़ गया है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का होता है, मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि कानून लाओ मॉब लिंचिंग के. ठीक है राजीव, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ. इंतजार हम लोग मीम अफजल का कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में वो हमारे पास पहुंचेंगे. लेकिन संबित पात्रा, गिनाइए ना कुछ 4-5 चीजें ही गिना दीजिए 4 साल में आपने की हो तो.
मैं एक विषय से आरंभ करता हूं। आप बताइए रूबिका जी, देश 70 वर्षों से आजाद हो गया, क्या कारण रहा कि आजादी के इतने वर्षों तक भी 43% जनता का बैंक अकाउंट नहीं खुला था? मैं बड़े सीरियसली ये सवाल पूछ रहा हूं। एक मोदी जी को आना पड़ा 2014 में और तब जाके 32 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा और आपका बैंक अकाउंट होता है, इसलिए अकाउंट का महत्व तो हम शायद जान नहीं पाते हैं। दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या कारण रहा कि देश 70 वर्ष से आजाद हो गया, 18,000 गांव देश में ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी, आज अगर उस घर में एक बल्ब जलता है, हमारी एक छोटी सी बच्ची उस घर में पढ़ लेती है, तो हम और आप शायद उसका महत्व जान नहीं पाते हैं। एक बूढ़ी माँ के घर में जब एलपीजी सिलेंडर आता है, ऐसे 5 करोड़ बूढ़ी माओं के घर में, हमारी बहनें और बहुओं के घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचा है, हम और आप शायद ये इसका महत्व नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी पहुंच जाता है। उनसे पूछिए कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है और नो कॉन्फिडेंस 70 वर्षों तक किसके ऊपर रहा था। सौभाग्य योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों में जब बिजली पहुंचती है तो पूछिए उनसे विश्वास। जी आप हम पे मत चिल्लाइए ऐसे, मैं कार्ल मार्क्स जी ऐसे मत चिल्लाइए, कार्ल मार्क्स भी ऊपर सुन रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, 70 वर्षों तक आपने बिजली नहीं पहुंचाई, 70 वर्षों तक। और आप तो बिल्कुल ही मत बोलिए, आपने केरल और बंगाल में बड़ा अच्छा कहावत है अंग्रेजी में, वेयर देर इज लेफ्ट देर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। सर सुन लीजिए, वेयर देर इज लेफ्ट देर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी, जहां लेफ्ट होती है वहां इकोनॉमी नामक चीज नहीं होती है, इसलिए आप तो कृपया मत बोलिए। अच्छा, केरल का विषय बताया है, आज मैं लिख के लाया हूँ, सुनिए जनता सुने। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय सुनिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सुन तो लीजिए, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सुन लीजिए मेरे भाई, आप सुन लीजिए। आपने केरल की बात की, आपने लिंचिंग की बात की थी, मैं आज पूरे पन्ने में एक रिपोर्ट लेकर आया हूं जो छपा है, और इसी 4 महीने में 7 लिंचिंग का केस केरल में हुआ। आपको याद है रूबिका जी, 2018 को 23 फरवरी को हमने डिबेट किया था, एक व्यक्ति जिसका नाम है मधु चिंदकी, ये एक ट्राइबल व्यक्ति था, इसकी लिंचिंग होती है। और क्यों होती है? दो रोटी चुराया था और लोगों ने सेल्फी खींची और इस आदमी की रोटी दिखाई थी। अलग अलग जगह पर लिंचिंग हो रही है, कल ही एक लिंचिंग हुई है स्वामी अग्निवेश की, बिल्कुल। तो आप जय श्री राम, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, एक बुजुर्ग भगवा दारी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसको केवल बीजेपी का विषय देखना उचित नहीं है, करना चाहता है देखना उचित नहीं है। मैं बात करनी, सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट के लिए कहा है। मैं बात करने लिंचिंग पर आई हूँ, मुझे ये बताइए संसद में किसी तरह की कोई लिंचिंग नहीं होगी? और लिंचिंग उम्मीदों की है इस देश ने उम्मीद जताई है, आप ये बताइए उन उम्मीदों की लिंचिंग नहीं करेंगे? 68 बिल 18 दिनों में कैसे पास होंगे? यहाँ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया आपके लिए, आपने भी खुशी खुशी ले लिया है कि चलिए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, चाय तो 2014 में बना दी हमने। रूबिका जी याद है जब बजट सेशन चल रहा था कुछ दिनों पहले फरवरी के महीने में, तो जो सवाल हमसे पूछे जाते थे कि अरे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण विपक्ष जो है सरकार चलने नहीं दे रही है, संसद चलने नहीं दे रही है, तो आप मान लीजिए ना उस पर चर्चा करा लीजिए ताकि संसद चल सके। आज मान लिया है, आज हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं। चर्चा करे तो मुश्किल, चर्चा ना करे तो मुश्किल, मान जाए तो मुश्किल, ना माने तो मुश्किल। मतलब ये जो लोग जिनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो ये पहला चैलेंज है 2019 के लिए राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को 50 महीने में ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन सर नंबर्स, क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है? जब ये जानते हैं आपके नंबर्स तो है इस सरकार के पास। रूबिका जी, अभी आपने सुना समित पात्रा जी ने कहा इधर भी मुश्किल उधर भी मुश्किल, यहाँ भी मुश्किल वहाँ भी मुश्किल, बोलें तो मुश्किल ना बोलें तो मुश्किल। तो एक बात तो तय हो गई कि सरकार मुश्किल में है। अगर संबित पात्रा जैसे बड़े प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि मुश्किल ही मुश्किल है, तो आप समझ लीजिए कितनी ज़बरदस्त मुश्किल है। जहाँ तक आपने कहा कि संसद का सत्र जो है वो चल रहा है और ये वक्त ख़राब करने वाली बात है, डेमोक्रेसी में अगर आप पार्लियामेंट में होने वाली किसी भी बहस को, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हो या किसी और इशू पर हो या किसी भी दूसरी
जो आर्टिकल्स हैं उनके तहत हो। हर बहस जो है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है और मैं समझता हूँ हम लोग डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर सरकार उसमें कोऑपरेशन करती है तो वो डेमोक्रेसी का हिस्सा माना जाएगी और अगर नॉन कोऑपरेशन करेगी। सेना पर सवाल उठाकर गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि जनसंहार हो रहा है, डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं आप। देखिए रुबिया जी, जिन बातों पर आप मेरी तवज्जो दिलाना पाती हैं, लेना जाना चाहती हो, मैं अमूमन उस तरह की बातों में कभी कोई गौर नहीं करता और ना ही इस तरफ जाता हूँ, ना इसमें फंसता हूँ। मुझे मालूम है नहीं सर, आप अच्छे बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी अगर मैं इसका जवाब दूंगा, इसलिए मैं लेकिन मैं अपनी हार मान लेता दिया जाता है ना आपको, आपके ही सारे तमाम कलीग्स हैं कांग्रेस के जो आपको फंसा देते हैं और कांग्रेस को भी फंसा देते हैं। फिर जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो सारे चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। क्यों स्मिता प्रकाश, डेमोक्रेसी को आप हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान ये थोड़ी बचा सकते। डेमोक्रेसी ही जरूरी है। देखिए मैं आपको कहूं, उनको जिंदाबाद करके तो नहीं हो सकती ना सर। जनता पार्टी के अंदर स्मिता प्रकाश अनगिनत लोग जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। जी अगर फ्राइडे को, अगर 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की तरह अगर कहते हैं चलिए आप लोग सब कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, सरकार हटनी चाहिए, चलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप इलेक्शंस कह दीजिए आप, तब क्या होगा? कांग्रेस ने एक्ट टू सीन टू तो तय नहीं किया कि इसके बाद क्या करेंगे, क्या वो चुनाव के लिए तैयार हैं, क्या ऑपोजिशन यूनिटी हो चुकी है। वो ये नहीं देख रहे कि अगर ये कार्ड निकाल देते हैं मोदी जी और कहते हैं कि चलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं, वाजपेयी जी की तरह उनके पास भी नंबर थे, मेरे पास भी नंबर थे, एक सीट की वजह से चलिए मैं दे देता हूं इस्तीफा, चलिए कर लीजिए इलेक्शन, केयरटेकर गवर्नमेंट हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा। कांग्रेस के पास गेम प्लान तैयार है, मतलब हां ये भी सोचा जा सकता है। हां डॉक्टर पात्रा, आप लोग गजब स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। 14 महीने रहे। स्मिता जी आप तो हमारा सम्मान करते हैं, अरे स्मिता जी आप तो इतनी समझदार हैं, ऐसे ही देखिए ये जो कांग्रेस वाले हैं वो बिल्कुल मुंगेरी लाल बने हुए हैं, ऊपर से आप उनको ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं, सोचिए जरा कहीं मतलब इस प्रकार के ख्वाब देख के हेल्थ ना बिगड़ जाए, कृपया करके आपसे मैं नहीं सर, मुंगेरी लाल तो अभी सभी नेता बने हुए हैं, सारी पार्टियां आप इकलौता कांग्रेस को मत डालिए। संबित जिस दिन सरकार, अब ऑन अ सीरियस नोट, नो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, जिस दिन वाजपेयी की, संबित जी वेरी सीरियसली आई एम सेइंग इट, संबित जी जिस दिन वाजपेयी की सरकार गिरी थी ना आप संसद में थे, ना आपके पैनल के कोई भी लोग संसद में नहीं थे, मैं थी संसद में, कोई नहीं जानता था कि सरकार गिरने वाली है, पर वाजपेयी जी ने वो जो स्पीच देके जब सरकार गिरी सब लोग हक्के बक्के थे, टॉप से टॉप लीडर जो वहां बैठे थे जिन्हें पता नहीं था, तो हो सकता है मोदी जी ये एस लेके बैठे हुए हैं। मीम अफजल साहब ऐसा हो सकता है क्या, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट इज योर प्लान बी? डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, मीम साहब मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं, मीम अफजल साहब व्हाट इज योर प्लान बी? मैं जरूर जवाब दूंगा इसका। हाँ। जरूर जवाब दूंगा इसका, दीजिए ना सर दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी थे और मोदी जी कयामत तक भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह नहीं ले सकते। मैंने अटल जी के साथ बहुत काम किया है, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। इसके बावजूद कि बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ राय होता था, वो इख्तलाफ राय की बड़ी इज्जत किया करते थे और मेरा ख्याल है ये बात हर सीनियर कांग्रेस ही का नहीं, सब अपोजिशन पार्टियों के लीडर इस बात को कहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मोदी जी को देखा जाए, तब आप क्या करेंगे, व्हाट इज योर प्लान बी? अरे आप लाइए तो सही, जब अटल जी ने किया था तो किसी के पास कोई प्लान था, फिर भी इलेक्शन हुआ था ना, हुआ था, इनके पास कौन सी तैयारी है इलेक्शन? मैं बताता हूँ ना, खाली पैसों से इलेक्शन लड़ा जाता है। अफजल साहब चार साल में इन्होंने जो शानदार परफॉर्मेंस की है, क्या उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाए? बाजी कौन ले गया उस वक्त, बाजी कौन ले गया वो जीतने और उधार, बाजी कौन ले गया? जीत और हार की बात नहीं कर रहा हूँ,
जीत और हार की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं मीम अफजल, जीत और हार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो कॉन्फिडेंस रहे जीत और हार की, आज के हालात बिल्कुल अलग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत और हार की तो बात है, एक वोट से हार सकते हैं, एक वोट से सर, एक वोट से हार सकते हैं। जीत जी जी बिल्कुल, तो बताइए ना सर, जीत ही हार का पूरा मामला है, जीत भी सकते हैं, ये सब हो सकता है, इसीलिए तो पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा महागठबंधन साथ आ गया है, हराने के लिए तो आया है मोदी को और उस सरकार को, जीत और हार ही है सब कुछ, तो इसीलिए स्मिता प्रकाश पूछ रही है कि गिर भी गई सरकार तो बताइए उसके बाद जीता कौन, इसीलिए तो बार बार आ रही हूँ, प्लान भी क्या है आपका संबित पात्रा। मैं कहूंगा कि जो गठबंधन आया है वो हराने के लिए नहीं आया बल्कि हराकर ही जाएगा। अच्छा, लेट अस सी सर, लेट अस सी, आप वो नंबर मुझे बता नहीं रहे, जवाब देने दीजिए, अभी बना का है बना का, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए मीम साहब एक बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं, और यहाँ एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। मीम साहब से जब आपने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विषय में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अब मैं बहुत कैंडिड टॉक करता हूँ, बिल्कुल यहाँ वहाँ की बातें नहीं, मैं आपको बताता हूँ किसको मजबूत करने का विषय है। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है और कहीं ना कहीं राहुल जी को मजबूत करने का एक प्रयास है। दिस इज अ रिहर्सल 2019 किस प्रकार, बस ये आखिरी बंद का शेर है जो आप हमेशा पढ़ते हैं। सर मैं कंप्लीट कर लूं, सर आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था, मुझे थोड़ा सा, हम भी नाचीज है सर, हमें बोलने दीजिए, छोटे आपसे उम्र में छोटे हैं, नाचीजों को बोलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रांग कर, सर देखिए राहुल गांधी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी को वीक करके यहां तक पहुंचाई है वो। राहुल गांधी किस प्रकार स्ट्रांग हो उसकी चिंतन वो कर रही है, वो हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात है और एक बहुत साइंटिफिक पॉइंट मैं यहां बताता हूं, जो स्मिता प्रकाश जी ने पूछा कि क्या होगा भविष्य में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया है नीति आयोग को और सरकार को, आप उस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के मोशन को और उसके तरीके को बदलने की बात कही है और कहा है कि भविष्य में अगर वन नेशन वन इलेक्शन आप चाहते हैं तो नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मोशन उसी फ्लोर पे लाना पड़ेगा जहां आपको तुरंत लीडर चूज करना पड़ेगा कि अगर इस पे नो कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस किस पे है, वहीं के वहीं बताना पड़ेगा ताकि जो इलेक्शन का क्रम है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक सवाल है, स्मिता जी ने उसको अलग से पूछा, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी रखा है इस विषय और उस पर बातचीत करने का भी क्या फायदा है, मुझे ये बताइए कल क्या होगा, कल के बाद क्या होगा, उन 18 दिनों में क्या होने वाला है, आप लोग अपनी अपनी बाह मजबूत कर रहे हैं, ना ना कुछ भी नहीं होने वाला है, वो हारने वाले हैं, मगर क्या गारंटी है सर कि आप जनता की बारी कमाई जो आपके चरणों में डाली जा रही है सरकार के पार्लियामेंट के उसको हमारे काम में इस्तेमाल लाने के लिए कुछ करेंगे, उन बिलों को पास करेंगे। नहीं रूबिका जी, थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपको बता दूं, अगर 54 एमपीज सिग्नेचर करके देते हैं तो सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 50 एमपीज और अभी जो कहा गया टीडीपी के सदस्य थे लॉटरी के माध्यम से उनका नाम निकला, इस कारण से उनके नो विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना यह एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ये हमारे संविधान के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। आप लोग तो देखिए संविधान के हिसाब से देश को चलाना ये तो आवश्यक है। समझ रही हूँ, आप लोग आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ टेक्निकलिटीज में, लोकसभा में 2018 के बजट सत्र के बारे में बता रही हूँ सर, सुनील चोपड़ा साहब रुकिए, लोकसभा में बजट पर चर्चा में सिर्फ 14.5 घंटे चर्चा हुई है, राज्यसभा में बजट पर चर्चा सिर्फ 11 घंटे हुई है, लोकसभा में 75% वक्त हंगामे की वजह से बर्बाद हो गया, राज्यसभा में 69% वक्त हंगामे की वजह से बर्बाद हो गया। मैं ये बताना और समझना चाह रही हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हंगामा किसने किया, किसने किया आप बताइए, किसने किया हंगामा, हंगामा किसने किया, बीजेपी के एलाइज ने, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, मूक दर्शक बने हुए बैठे थे। नाम बताइए, नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ किस अलाई ने हंगामा किया, बताइए, यहाँ आप हंगामा कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी खबरें तो हैं, ऐसी खबरें तो हैं, बताइए, कॉन्फिडेंस मोशन से बचने के लिए आपके ऊपर आप नाम बताइए ना,
ने आप नाम बताइए, किसने किया, किसने क्या नाम बताइए ना, कौन से अलाइन ने हंगामा किया, कोई भी नाम बता दे मुझे। नीम साहब बैठे हुए हैं, प्रेम चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, कोई भी बता दे मुझे। राजीव जी और टीडीपी, राजीव जी ठीक है, एआईएडीएम के हमारी इंडिया में नहीं है भैया, एआईएडीएम के हमारी साथियों ने हंगामा किया था, सुनील चोपड़ा साहब ठीक है। अब मैं गेंद आपके पाले में डालती हूँ, राजीव राय जी बताइए इस बार हंगामा नहीं होगा, इसकी शपथ कौन लेगा? रूबिका जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ 20 सेकंड में। मैं पिछले जो सवाल के जवाब में आदरणीय संबित पात्रा साहब ने कहा था, मैंने बड़े मुद्दे के सवाल उठाया था कि विश्वास प्रस्ताव में क्या बहस होगा, और आपने पॉइंटेड क्वेश्चन उनसे पूछे, लेकिन उनका जवाब था कि हमने अकाउंट खोले, हमने गैस सिलेंडर दिए। इनका जवाब बिल्कुल वैसे ही था जैसे कुछ दिन पहले मगहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर बोले कि कबीरदास जी, बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक जी एक ही साथ बैठकर बातें किए थे। ये लोग के प्रेरणा स्रोत वो हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन चलाए, किसी मुद्दे पर ये जवाब नहीं देते हैं, जब जवाब नहीं देता है तो गोलमोल होते हैं। ये सदन में सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जब हमारे ऊपर आरोप लगता है तो आदरणीय संबित पात्रा साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तक संसद को लॉकडाउन करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास है। जब उनको वापस मिलने लगता है तो नैतिकता याद आती है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो संविधान दिखाई देता है। मेरे भी सवाल का जवाब आप गोलमोल ही दे रहे हैं, मैंने तो आपको शपथ लेने, कौन लेगा शपथ, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ले ले शपथ, मैं कह रही हूँ महागठबंधन है, मैंने कहा समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार लेकर आए हैं समाजवादी, पर क्या इस मोशन के साथ ये शपथ भी लेंगे कि हम काम करेंगे इस मोशन के बाद? एक जिम्मेदार समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की भूमिका का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेगी। और जब मैं कहता हूँ विपक्ष की भूमिका, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में जाते हुए समाजवादी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, ये सब चीजें आपको याद नहीं रहती है, वो सब उन्हीं पुरुषों की तरह उड़ जाता है। रूबिका जी, मैंने आपके सामने कोर्ट किया कि 40 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने 40 दिन तक सदन नहीं चलने दिया था, कभी किसी ने कोर्ट किया? बड़ा आरोप है आपके ऊपर, तुम कत भी करो तो चू नहीं होती है, मां भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए सुनिए सुनिए, रूबिका जी आप उस समय भी एंकरिंग में थी और उस समय भी हम लोग डिबेट कर रहे थे, 12 से 14 लाख करोड़ रुपए देश का भिन्न भिन्न, आज अगस्ता वेस्टलैंड केस पे आप देख रही है चार्जशीट हुआ है, कितना बड़ा खुलासा आज हुआ है। हर दिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी बड़े करप्शन केस पे खुलासा करती थी, सीएजी हर दिन एक बड़े करप्शन केस पे खुलासा करती थी, नतीजा उन डिसरप्शंस का जो हमारे मत्थे मढ़ा जा रहा है उसका नतीजा यह रहा कि कोल, आप देखिए कोल के जितने भी माइंस थे वो दोबारा ऑक्शन हुए, पैसे उसके लाभ हमारे एक्सचेकर को हुआ, वो डिसरप्शन एक बेनिफिशियल डिसरप्शन था फाइनेंशियल। सर मैं आपके बीच में तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सर डिबेट डिसरप्शन मत करिए, डिबेट स्पीकर महोदय ने मुझे बोलने के लिए कहा है, मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी में डिसरप्शन भी महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी में डिसेंट भी महत्वपूर्ण है, मगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई है तो वो लास्ट डी है, वो है डिसीशन। आप एक डिसीशन पर पहुंचे, ट्रिपल तलाक का बिल, इकोनॉमिक ऑफेंस बिल, आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग बिल, ये सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि बहुत तो महत्वपूर्ण है, चाहे वो सोशल अधिकारों के लिए, चाहे वो भारत के इकोनॉमी के लिए, इस्तेमाल करूं, हम दोनों की है, आप इतने, आप दोनों की है ना, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी, किसकी सरकार रहते वो बिल पास नहीं हुए? आखिर में तो आप याद करें ना, एंड यू फेल टू डू इट, यू डिड नॉट डू इट। नहीं नहीं नहीं, आम आदमी सब देख रहा है कि किस प्रकार जब पिछली बार प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, किस प्रकार का हो हल्ला प्रधानमंत्री के पीछे ये ऑपोजिशन के लोग कर रहे थे, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। आम आदमी यह भी देख रहा है जब स्पीकर महोदय ने लगभग कुछ एमपीस को सस्पेंड किया था क्योंकि वो हो हल्ला कर रहे थे, वेल में आए थे, तो यही वो अपोजिशन पार्टी थी जो स्पीकर के ऊपर हमला कर रहे थे कि आप जबरन संसद चलाने के लिए एमपीस को जो है वो सस्पेंड कर देंगी, ये तो आपके पास अधिकार भी नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो चित भी मेरा पट भी मेरा, दोनों तरफ से आप नहीं कह सकते। देखिए हमने वापस 2 मिनट के लिए नंबर्स पे आना पड़ेगा, लोकसभा में 10 वैकेंसीज हैं, हाफ वे मार्क 268 है, बिना स्पीकर के 273 सीट बीजेपी के पास है, साफ तौर से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल होगा। पर
जो जैसा बजट सेशन में हुआ था वैसा ही इस सेशन में होने वाला है। दिस सेशन मॉनसून सेशन एक वॉशआउट होने वाला है। जिस तरह से दोनों तरफ से पोजिशन हार्डन हो रही है, इतना अभी से स्पष्ट है कि जो भारत को क्या चाहिए। भारत इस वक्त ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत को डिसीशन जैसे संबित जी कह रहे थे चाहिए, पर डिसीशन मेकिंग में एक लकवा सा मार गया है। जब भी आप पार्लियामेंट जाते हैं शोर हंगामा सब कुछ होता है पर डिसीशन नहीं होते, और ये अगर चलता रहा तो सबसे ज्यादा खतरा ये है कि लोगों की आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हट सकती है। चाहे और ये एक छोटी बात ही है, ये बार बार हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी डिस्ट्रप्शन, माननीयों पर खर्च तो पूरा किया जाता है। स्मिता जी, ये जो माननीय वहां पर बैठते हैं उन पर देश खर्च तो पूरा करता है, लेकिन काम का वादा अधूरा। बिल्कुल सही कहा कि लोगों का विश्वास संसद की प्रक्रिया पर बिल्कुल ही नहीं है। अब मतलब रोज देखते हैं कि लोग गाली गलौज हो रही है, नारेबाजी चल रही है, वेल पे आते हैं, पेपर फेंकते हैं, एक दूसरे के बारे में इतनी घिनौनी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटली नॉन पार्लियामेंट्री। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पार्लियामेंट एक तो या तो साथ बैठकर डिसाइड करे, और जब बैठते हैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं, दावत होती है इनके, एक दूसरे के हाथ पकड़ के एंट्री एग्जिट मारते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जब पार्लियामेंट में आते हैं और जब बहस होती है तो कोई भी बिल पास नहीं होता। कल शाम तक तो ये बात कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक होगा या विमेंस रिजर्वेशन बिल। यही पैनलिस्ट है जो हर टीवी चैनल में जाके ये बोल रहे कि ये वाला बिल या ये वाला बिल। और आज क्या पता लगा? आज पता लगा कि बिल तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। मतलब तीन दिन कोई काम नहीं होगा, बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे और उसके बाद भी पता नहीं क्या होता है। आप नालायक हैं, आप काम करने नहीं देते हमें, आप जो है आप हमें बदनाम कर रहे हैं, दूसरा बोलेगा आप काम नहीं कर रहे हैं, और इसी तरीके से जैसा निनाद कह रहे हैं वॉश आउट जाएगा। एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहती हूं, मैं 5:29 हो रहे हैं, आज की बहस हम कर क्यों रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार 50 महीने में मोदी सरकार की परीक्षा है, और इसीलिए 50 महीनों में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर। क्या यह बताता है कि राहुल गांधी ने सीधा सीधा गठबंधन का चेहरा अपने आप को मानते हुए चैलेंज कर दिया है? मैं इसी पर अब आगे जाती हूं। इसका क्या मतलब है? संबित पात्रा जब वो ये कहती है, कौन कहता है हमारे पास नंबर्स नहीं है, क्या आपके कुछ ऐसे एमपी हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं? क्या उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अगले लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिलने वाला है? क्या ये जो है तोड़े जा सकते हैं? क्यों कहना पड़ता है सोनिया गांधी को ऐसा? देखिये, मैंने आपको आरंभ में एक बार देखिये, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। आपको अभी स्मिता जी ने बताया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये टीडीपी लेके आई है। क्यों आप तोड़ने में लगे हुए हैं? क्या किंग जोंग साहब आप लगे हुए हैं तोड़ने में? अरे उनका नाम सुनिए, अगर मैं अभी ये डायलॉग मारता तो बोलता है कि देखो लिंचिंग हो गया, लिंचिस्तान हो गया, देखो देखो डेमोक्रेसी खतरे में आ गया, संविधान लुट गया, पिट गया, और अभी ये बोल रहे हैं वो तोड़े भी जा सकते हैं, वो खरीदे भी जा सकते हैं। कमाल है। गोवा की सरकार खरीद के बनी थी, आप सुन लीजिए मेरी बात। तो आप तोड़ रहे हैं, बताइए ना सुनील चोपड़ा, नीम अफजल साहब, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मुझे कोई जानकारी नहीं है आप तो, मैं इसी बहस पर रहना चाहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। नहीं, आपको इधर उधर कोई नहीं भेज रहा है, तो मैं कंप्लीट कर लूंगा। कांग्रेस के साथ ही रही है, पर सोनिया गांधी जो कह रही है कि भाई हमारे पास बीजेपी एक सवाल बीजेपी साहब से एक सवाल पूछना चाहता जाएगा कोई। हाँ संबित पात्रा, कंप्लीट कीजिए जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। या तो आप सवाल पूछ ले या संबित पात्रा जी सवाल पूछ ले। सोनिया मुझे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी में हमेशा सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाते हैं, अपोजिशन से कम पूछे जाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि जब हम आए तो लगता है हम सरकार में। ये न्यू एरा जर्नलिज्म है, और ये दोनों बराबरी में है, सरकार भी और अपोजिशन भी, दोनों से तगड़े सवाल होते हैं। जी 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 बिल्कुल संबित पात्रा जी, बिल्कुल 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 नहीं। मुझे आज एक बात नहीं आई कि आप बराबर से पूछा गया तो सोनिया जी ने, तो सोनिया मेरे को याद नहीं है इस वक्त टाइमिंग। आज मुझे आश्चर्य लगा कि जब सोनिया जी से पूछा गया कि संख्या कैसे होगा, तो सोनिया जी ने कहा हम कॉन्फिडेंट है संख्या है। अब पता नहीं संख्या कहीं मंगल ग्रह वगैरह में होगी तो होगी, मुझे तो नहीं पता मंगल ग्रह में है कि नहीं, मगर कम से कम संसद के पटल पे तो नहीं है, वो तो खुद उनके यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो मान रहे हैं। तो ऐसे में संख्या कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, इतना तो बता दीजिए। और तो दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ बताऊँ, टीडीपी का रूबिका सुनिए ना,
टीडीपी का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ, एक स्मिता जी 10 सेकंड बता दो इंपॉर्टेंट बात, एक टीडीपी का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ है, टीडीपी के कंधे पर बंदूक रख दिया है कांग्रेस पार्टी ने। चंद्रबाबू नायडू ने थोड़े दिन पहले कह दिया था किसी भी कीमत पे कांग्रेस और टीडीपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक दूसरे कंधे पर बंदूक, और जहां पर आंध्र प्रदेश का सवाल है वहां पर एक दूसरे को छुएंगे नहीं। वहां मजबूत गठबंधन को लेकर आप क्यों दिक्कत में आ रहे हैं? आपने बराबरी का मौका दिया है तो मैं अच्छा उनपे कुछ कहना नहीं है। नहीं नहीं, आपको परेशानी क्यों होनी चाहिए? आप तो मजबूत हैं, आपके पास तो नंबर्स हैं, तो फिर क्यों दुखी होते हैं आप? स्मिता प्रकाश नहीं, दुखी नहीं हो रहे हैं, ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पर कोई तेरहवीं मार्ग थोड़ी ना है कि दुखी होना है, यहाँ पर तो डिस्कशन के लिए आए तो सारे पॉइंट रखेंगे। रूबिका जी, रूबिका आपको याद होगा कि कुछ साल पहले की बात है जब सोनिया जी से पूछा गया था कि आपके पास क्या नंबर है, उन्होंने कहा था 272, उन्होंने कहा था 272 हैं, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी बैठे थे, वो 272 होने नहीं दिया उन्होंने। तो इस बार क्या मुलायम सिंह की पार्टी ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि उनके पास 272 हैं? बताइए, जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं जवाब दूं इसका? हाँ हाँ, राजीव जी आप मैसेंजर बनिएगा, रुकिए एक सेकंड, जहाँ पहुंचा है मैसेज उनको जवाब देने दीजिए, रुकिए रुकिए एक सेकंड। हाँ, किसी मीम अफजल साहब, नंबर्स कहाँ से आएंगे सर? किसी बुनियाद पर ही कहा होगा, वो बुनियाद हमारी बहन शेयर कीजिए ना हमारे साथ। मेरे ख्याल है वो बार बार डिबेट को इस टेक्निकल पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास नंबर है या नहीं, बीजेपी के पास नंबर है या नहीं। मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि मामला सिर्फ नंबरों का नहीं है, मैंने अर्ज किया कि ये मामला जो है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, यहाँ पर बहस भी होती है, पर डिसीजन नहीं होते हैं, को जवाब बाकी सब कुछ होता है, जो सरकार पार्लियामेंट में जवाब नहीं देना चाहती। एक आज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में सरकार और खासतौर पर मोदी जी मजबूर हो चुके हैं कि वो हर सवाल का जवाब दें। इंटरव्यू, ये बड़ी कामयाबी है पोजीशन की। मीम साहब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, नहीं मीम साहब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मीम साहब बहुत बड़े भी हैं और एक्सपीरियंस भी है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, और मुझे लगता है ये उत्तर दूसरी बार किसी ने इस पैनल में दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती। अरे संख्या के बल पर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, संख्या हटा दीजिए तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही नहीं होती है। तो आप कह रहे हैं कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, बातचीत महत्वपूर्ण नहीं होती, आपने अभी कहा साहब, आपने अभी कहा केवल संख्या के आधार पर नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए क्यों है, इंपॉर्टेंट होती है। हाँ मीम अफजल साहब, वही बात है इंपॉर्टेंट होती है, आप मुझे सच्ची बात बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं मीम अफजल खुद ये सोच रहे हैं कि जबरदस्ती कांग्रेस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन किस बात पर ले आई है, या कांग्रेस नहीं तो ये महागठबंधन जो अभी बना नहीं है ये क्यों इस पर अपना टाइम जाया कर रहा है? आप डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े सवालों को दब कर जा रहे हैं। अपना अलग लेकर के आए थे, मैं बताऊं आपको कि हम तो अपना कॉन्फिडेंस अलग लेकर आए, डिफरेंट पार्टीज लेकर आई, सब अपनी रोटी अलग अलग बना रहे थे, मंजूर किया, और जो तेलुगु देशम है सर, गठबंधन बन क्यों रहा है नीम अफजल साहब? गठबंधन बन क्यों रहा है? गठबंधन नंबर के लिए बन रहा है, आंकड़े के लिए बन रहा है, हम शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। गठबंधन बनाने के लिए मकसद क्या है? जीत है, गठबंधन का मकसद क्या है सर? मकसद ये है कि नंबर बने, ये सब गणित है, अगर नंबर नहीं बनेंगे तो गठबंधन नहीं बनेगा, जब गठबंधन में नंबर होंगे तो सरकार गिरा सकते हैं। पहलवान को कमजोर करना, वो आया एक और वन लाइनर सुनील चोपड़ा के साथ, सुनील चोपड़ा की तरफ से। कुल मिलाकर आपको परेशानी नरेंद्र मोदी से है ना सुनील चोपड़ा साहब? आज जनता से कोई वास्ता नहीं है, उनके मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है, पहलवान को कमजोर करना दुनिया सुनील चोपड़ा साहब सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछो तो कहीं साउथ अफ्रीका कहीं कहा चले जाते हैं आप, है ना सुनील चोपड़ा साहब? ने सुनील चोपड़ा जी का पूरा कॉन्फिडेंस दुनिया को खतरा है इन पहलवानों से, कौन ये लोगों के ऊपर बिपता युद्ध
और पहलवान है तो आप लोग क्या है? अटैक्स। हे ईश्वर, कार्ल मार्क्स, ये क्या हो रहा है बताइए? कार्ल मार्क्स देख रहे हैं आपके शिष्य क्या कर रहे हैं? इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन और ओबामा को घसीट के लाए हैं यहाँ से। और पहलवान कौन सा पहलवान? मीम अफजल साहब, पहलवान को कमजोर करना। पहलवान कौन? यही मैसेज देने की कोशिश है। और पहलवान समझ रहे हैं कि पहलवान आपकी पार्लियामेंट में है? सर पहलवान तो अच्छी चीज होती है। ओबामा जी ने इनको बताया है जहाँ तक पहलवान की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमेशा ये बात कहता हूँ, तो पहलवान को कमजोर करा जाएगा एक फर्द के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी उसकी पॉलिसीज और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई है। और जाहिर है कि इसकी कोशिश यही है कि पहलवान की लड़ाई बनाने की कोशिश की जाए। तो वो तो सुनील चोपड़ा, जी बताएंगे। मैंने तो पहलवान का मसला उठाया नहीं। अच्छा मत करिए। अरे तो आप सब साथ हैं कि नहीं है? गठबंधन में फिर कौन साथ है? वही पहलवान है राजीव। राजीव कौन पहलवान है? पहलवान है सुनील चोपड़ा साहब। थैंक यू, आप मेरे बहुत शानदार वाले सोर्स हैं। और कौन? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आप मेरे सबसे विश्वसनीय सूत्र हैं सर। आप जो ये गठबंधन की स्ट्रेटेजी बता देते हैं ना यहाँ पर ऑन एयर, ये बहुत मददगार साबित होती है हमारी। राजीव राय जी, 56 इंच सीने वाले पहलवान को कमजोर करना, दैट्स दी स्ट्रेटेजी। बाकी जनता के मुद्दे, बिल, ये सब बीच की, ये सब बात की बातें हैं, है ना सर? राजीव राय जी, रूबिका जी, मतलब देखिए, पांच बार रिपीट करके सुनील चोपड़ा जी ने एक ही बात कही कि केवल और केवल मोदी जी के ऊपर संबित पात्रा साहब चुप रहिए ना, आप प्रवचन मोदी जी के बोलने नहीं देते हैं, कर देना। सवाल मुझसे था संबित पात्रा साहब, सवाल मुझसे था। अकेला आदमी हूं, आप सारे नॉन सर, वो पहलवान मान रहे हैं, लोग नो कॉन्फिडेंस खो के बैठे हुए हैं। अकेले आदमी हूं, बोलने दीजिए कि नहीं है। राजीव राय को मैंने मौका दिया है, संबित पात्रा, राजीव राय बोलेंगे अभी, रुक जाइए। रूबिका जी, संबित पात्रा को प्रवचन देने की आदत है, क्या मैं इनसे निवेदन कर सकता? अरे सर, वो प्रवचन दे रहे हैं, आप वचन दे दीजिए ना। रूबिका जी, मेरा आप वचन दे दीजिए कि आप इस बार पार्लियामेंट को चलने देंगे, पूरे महागठबंधन को एकदम गांठ बांध के एक जगह रखेंगे कि बिल पास कीजिए। आप वचन दीजिए, प्रवचन मत दीजिए। रूबिका जी, आपके बहुत सारे सवाल टुकड़ों में हो गए हैं, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कि सारे सवालों का जवाब दे दूं। सर, टाइम मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पहलवान जनता होती है, सबसे बड़ी पहलवान जनता होती है। नहीं, टाइम तो जो जैसे खराब चल रहा है ना गठबंधन, वो तो जो विश्वास प्रस्ताव लाया हमारा गठबंधन में नहीं था, जिनके गठबंधन वाले थे वही अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, वही अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं हम क्या करेंगे, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाएंगे उन सवालों का जिसका शुरुआत से हमने पूछ रहा हूं। अभी एक बार भी संबित पात्रा साहब जवाब नहीं दिए। 100 दिन में काला धन लाया कि नहीं लाया पार्लियामेंट में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अपराधियों को जेल भेजा कि नहीं भेजा पार्लियामेंट में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कश्मीर को पाकिस्तान वाले कश्मीर को लाया कि नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे? उन सारे बातों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? घुमाने की जरूरत नहीं है आपका। रूबिका जी, जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल है, देखिए समाजवादी सुन लीजिए, अरे 10 सेकंड में बता तो रहा हूँ, आप 10 सेकंड दीजिए तो सही। दे दिया। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पिता का पुत्र पर, पुत्र का पिता के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, उसमें सीताराम जी का प्रकाश करात पर, प्रकाश करात का सीताराम पे कॉन्फिडेंस। आठ सेकंड आपने बाकियों को खराब है ये बताने में निकाल दिए, और 2 सेकंड बचे बिल्कुल, वो 5 साल की सरकार, 4 साल आपने इसी तरह निकाल दिए हैं। अब 1 साल बचता है, और उसमें भी ये 18 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपको इंपॉर्टेंट बिल पास करने होंगे, और जनता बहुत पैरी नजर से देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए।